यूपी के जनपद मुरादाबाद की थाना कटघर पुलिस को चेकिंग के दौरान बड़ी सफलता हाथ लगी। कटघर पुलिस ने दो मादक पदार्थों की तस्करी करने वाले तस्करों को गिरफ्तार किया। साथ ही तस्करों के कब्जे से 1 क्विंटल 2 किलो 200 ग्राम गांजा, जिसकी कीमत लगभग 10 लाख रुपए बताई जा रही है। साथ ही तस्करी में प्रयुक्त कार को भी पुलिस ने तस्करों से बरामद कर लिया, जिसकी जानकारी मुरादाबाद SSP हेमराज मीणा ने प्रेस वार्ता कर दी है। देखिए, आप सभी को जानकारी है कि लगातार हम लोग ये प्रयास कर रहे हैं कि जनपद में जो NDPS है, इस पर कार्रवाई हो अच्छे से। और कल DIG रेंज महोदय के आदेश से पूरे रेंज में और जनपद मुरादाबाद में भी हमने सभी थाना क्षेत्रों में और जो भी बॉर्डर का अभियान चलाया था, इसी में SP सिटी साहब और CO कटघर, थाना प्रभारी कटघर, इनके नेतृत्व में पंडित नंगला रेलवे क्रॉसिंग के आसपास में चेकिंग की जा रही थी। एक संदिग्ध गाड़ी नज़र आई, जो मारुति की SX4 के नाम से एक मॉडल की गाड़ी थी। और जब इसको चेक किया गया तो उसमें कुछ मिला नहीं, लेकिन वो गाड़ी संदिग्ध थी। तो उसको बाद में फिर पूरी थोरली इसको जब चेक किया गया तो उसकी जो पिछली सीट है उसमें कुछ संदिग्ध पदार्थ मिला। और उसको जब पूरा चेक किया गया तो वो एक तरीके से जो गांजा है उसके फॉर्म में ये मिला है। और इसको जब पूरा इसको देखा गया तो करीब 1 क्विंटल 2 किलो और करीब 600 ग्राम के आसपास में जो गांजा है इसमें बरामद हुआ है। और दो लोगों को इसमें से गिरफ्तार किया गया, खालिद, ये गालिब पुत्र खालिद हैं, जो कि थाना छपरौली जनपद बागपत के रहने वाले हैं। और जो दूसरे हैं वो चाहत खान पुत्र आरिफ खान है, ये थाना कैराना जनपद शामली के रहने वाले हैं। और इनके पास से करीब 12,000 रुपये नकद मिले हैं और कुछ इनके पास से कागजात मिले हैं। और जब इनसे जानकारी की गई तो इनके द्वारा बताया गया कि कहीं किसी अन्य प्रांत से ये लोग लेके आ रहे थे और इसको मेरठ लेके जाने का इनका आगे का प्लान था। और इसी में इनको चेक करके और इनके गिरफ्तारी इसमें की गई है, इसमें मुकदमा पंजीकृत किया गया है। और इनका जो पूरा नेटवर्क है इसका भी पता लगाया जा रहा है कि ये कहाँ से लाते थे और कहाँ पे इसको डिलीवर करते थे, इसकी जानकारी की जा रही है। इस पूरी कार्रवाई के लिए मेरे द्वारा जो थाना कटघर और CO कटघर की जो टीम है इसको 15,000 रुपये का नगद पुरस्कार भी दिया जा रहा है, क्योंकि एक काफ़ी अच्छी कार्रवाई है। और ये आगे जाके इसको बड़े जो महंगे दामों में ये लोग फिर ब्लैक में इसको बेचते हैं। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो हमें लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। और हाँ, बेल आइकॉन दबाना ना भूलें ताकि हर खबर का अपडेट आप तक पहुंचे तुरंत। आप हमें इंस्टा, ट्विटर और फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं। हमारी ID है @JMTNewsFlash।